गुर्जर आरक्षण को लेकर आंदोलन अभी जारी है। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह ने साफ कर दिया है कि जब तक मांग नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। इससे पहले 5% आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज और सरकार के बीच बातचीत विफल रही। गुर्जर समाज ने सरकार की बातचीत के न्योते को ठुकरा दिया है। गुर्जर आंदोलनकारियों ने सरकार के पास अपना कोई भी प्रतिनिधि मंडल भेजने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जो भी बातचीत होगी सबके सामने होगी। गुर्जर आंदोलन की वजह से जगह जगह रेल और बस सर्विस ठप हो गई है। रेलवे ट्रैक पर बैठे आंदोलनकारियों की वजह से दिल्ली मुंबई रूट पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। कोटा से गुजरने वाली कई ट्रेन को रद्द करना पड़ा जबकि कई ट्रेन का रूट डायवर्ट करना पड़ा। आंदोलन की वजह से करौली और उदयपुर में भी रेल सेवा पर असर पड़ा है। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन को देखते हुए आज होने वाली कृषि पर्यवेक्षक और महिला सुपरवाइजर की 2 परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन जरूरी है, इसीलिए गुर्जर समाज केंद्र सरकार से संशोधन की मांग करे। हम तो आपसे पहले भी कह दिया, आप भी कह रहे हैं कि हम तो जो कुछ फैसला होगा यही होगा। भाई स्ट्रेटजी यही है कि हम यही रहेंगे जब तक हमारा फैसला न हो जाए, जब तक हमें हमारा हक न मिल जाए, जब तक हमें 5% आरक्षण नहीं मिलता हम यही रहेंगे।